पहले गुड इवनिंग एवरीवन अ वेरी वॉम वेलकम टू एवरी वन इन इंग्लिश सूत्रा सभी लोगों को गुड इवनिंग है जी मेरी तरफ से नमस्ते गुड इवनिंग एंड एंड भगवान आपको सद्बुद्धि दे ये ज़रूर मैं बोलती हूँ जब सदबुद्धि रहती है ना तो इंसान मुश्किल से मुश्किल चीज़ अचीव कर लेता है तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ कि भगवान तुम्हें तो सदबुद्धि दे सदबुद्धि देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ है इट मीन्स सही सोचने समझने की शक्ति दे हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा और चलिए अब मैम अभी तो नाम ले लीजिए चल पे एक तो वैसे ही मुझे कम दिखता है चश्मा चढ़ा रखा है दूर से ही कमेंट्स पढ़े नहीं जाते मेरे से मैं नहीं गुड इवनिंग चलिए आज आप लोगों को आज कौन सा दिन है जी सेवेंथ सिक्स टुडे इज द दिक्स डे आज जो है सिक्स डे है और आज आप लोगों का मैं जो पोयम पढ़ा रही हूँ एक मैं कल आप लोगों के साथ टाइम टेबल शेयर कर लें क्या 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 क्या, क्या चीजें कैसे करवानी है आ? कल आप लोगों के साथ आ, मैं एक जो है टाइम टेबल शेयर करूंगी कि कौन से दिन आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगी और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पीजीटी की क्लासेस मैंने लास्ट के दो दिन रखी है मैंने अभी कहा था दो दिन भाई देखो ऐसा है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली कह रही हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना पीजीटी का सिलेबस करवा पाऊंगी मगर इतना करवा दूंगी कि आप लोग को तैयार कर दूँ बाकी गाइडलाइंस तो मेरी पूरी है ही नोट्स आप लोग के जैसे लिए जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं फ्राइडे और सैटरडे जो है वो मैंने पीजीटी के लिए फ़िलहाल पीजीटी के लिए फ़्राइडे सैटरडे सोचा है और उसमें जो है जितना हो सकता होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आप लोगों को करवाऊंगी कोई नहीं आप कह रहे हैं सोनिया जी क्या हो गया टुडे वी मे बी ब्लेस्ड टू हियर अबाउट पीजीटी की इंफॉर्मेशन दे दी है फ्राइडे एंड सैटरडे लास्ट के दो दिन है अभी फिलहाल इतना ही कर पाऊंगी इससे ज्यादा अभी नहीं कर पाऊंगी नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी टीजीटी भी नहीं करवा पाऊंगी ठीक है हाँ मैं गाइड आप लोगों को बिल्कुल जो है वो कर दूंगी और मैं इसलिए तो मैंने आपसे कहा है फ्राइडे सैटरडे का दिन जो है वो रखा है चलिए अब इसी के साथ अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और पढ़ाना जो है वो शुरू करते हैं है? ये क्या हो रहा है <laughs> अब मैं आप लोगों के साथ लिए आज जो पोयम लेकर आई हूं वो है द टाइगर इन द ज़ू टाइगर इन द जू जो है वो पोएम आप लोगों के लिए लेकर आई हूं और जो है और जो है मैं इस पोएम के बारे में पहले आप लोगों को बताऊं कि पोएम के बारे में नहीं पीडीएफ के बारे में बताऊं कि इसकी पीडीएफ आप लोगों को कल ही मिल जाएगी और डस्ट एंड एंड फायर एंड आइस के साथ इसकी पीडीएफ भी आपको कल ही मिल जाएगी सैटरडे तक का इंतजार अब नहीं करवा रहे तैयार है हमारे पास हम आपको आ, कल पोस्ट कर देंगे आ, टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी इसकी पीडीएफ काफ़ी सारे पेजेस हैं तो आप लोग देखिएगा कि अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन समेत जो है वो चीज़ है ठीक है गुड इवनिंग और अब स्टार्ट करते हैं आज मुझे आप लोगों को जो बताना है वो है टाइगर इन द ज़ू जो पोयम है अब मैं पहले पढ़ाऊंगी फिर आप लोगों के कमेंट्स देख लूंगी ठीक है जी हैं अच्छा देखिए अब मैं आप लोगों को मेन मेन पॉइंट्स लेस्ली नॉरिस के बारे में बता के पहले मैं लेस्ली नॉरिस के बारे में पढ़ाऊंगी फिर उससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी क्योंकि मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी तो मैं हट रही हूं स्क्रीन पर से अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूं यहां पर ये आ, नन्नू नन्नू सा जो है इस पर लिखा हुआ है और जो है सब दिख रहा है ठीक है? है जी आ, पहली बात लेस्नर नॉरिस जो है वो एक वेल्श पोएट है ये एक वेल्श पोएट हैं लेस्ली नॉरिस बॉर्न इन लेस्ली नॉरिस वाज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ये एक वेल्श पोएट थे और ये इसके अलावा हु बिकेम अ ह्यूमैनिटीज प्रोफेसर ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग अकाल जी मैसेज डिस्टिंग्विश फैकल्टी लेक्चरर एंड पोएट इन रेजिडेंस एट ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी तो मेन पॉइंट इस पैराग्राफ का ये है कि लेस्ली नॉरिस एक वेल्श पोएट थे और वो ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में वो एक जो है लेक्चरर बने थे पॉइंट नंबर टू भाई ये लोग इतना लिखते हैं इतना लिखते हैं क्या हो गया दिव्या सिंह ने क्या कह दिया Norris is the author of over 30 books of poetry and stories, with individual poems and stories appearing in over 200 periodicals. Norris ne 30 books of poetry and stories in 200 periodicals. Mein. During his lifetime, his work received the uh, कोमोंडले पोइट्री प्राइज द दे डेविड हाई मे मेमोरियल प्राइज द कैथरीन मैंसफील्ड ये एक राइटर हैं कैथरीन मैंसफील्ड थी जिन्होंने जो एक बहुत फेमस राइटर थी मेमोरियल अवार्ड इतने अवार्ड्स इनको जो हैं वो मिले हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं मैं इसे पढ़ देती हूँ फिर भी पूरा हालांकि ये सब पढ़ने में मुझे इतना मजा नहीं आता ही रिसिव्ड एंड ऑनररी डॉक्टर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमोर्गन एंड ऑनरे डॉक्टर ऑफ ह्यूमेन लेटर्स फ्रॉम BYU. Norris is the only writer to have been elected a fellow of both the Welsh Academy and England's Royal Academy of Literature. Norris के जो parents थे वो George and Mary Jane Norris. अभी इस वाले paragraph का main वो देख लेते हैं। वो over 30 books of poetry and stories लिखी हैं। 200 पीरियोडिकल्स में उनको जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं उनकी पोइंट्स एंड स्टोरीज। Norris parents were George and Mary Mary Jane Norris. एंड वो डायलन थॉमस से काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित थे नॉरिस का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी वन बट इट his collection हिज कलेक्शन फाइंडिंग गोल्ड कलेक्शन था उनका नाम था फाइंडिंग गोल्ड जब नाइनटीन सिक्सटी सेवन में आया तब उन्हें रेपुटेशन मिली एक राइटर की इसके बाद जो इसके और मेन पॉइंट्स हैं वो ही मैं अब इसमें ले रही हूं जो इसका एक मेन पॉइंट है वो ये है कि जब वो इंग्लैंड में गए तो उनको एक उपाधि मिलनी थी पोएट लॉरियट की 1984 में मगर वो उपाधि किसे मिल गई टेड ह्यूज को मिल गई जो टेड ह्यूज को उपाधि जो है वो मिल गई हालांकि उनको बनना था पोएट लॉरियट बट टेड ह्यूज बिकेम पोएट टेड ह्यूज जिनका कलेक्शन जो एक क्रो जो है जिन्होंने पोयम लिखी है क्रो कलेक्शन भी है उनका अमेरिकन पोएट एंड राइटर जेम्स डिकी सेड ऑफ नॉरिस दैट पोएट्स वुड किल फॉर इज ऑथेंटिसिटी ऑफ वॉइस कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक पोएट थे आज नॉरिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्श राइटर्स ऑफ पोस्ट वॉर पीरियड और लेस्ले नॉरिस की मृत्यु हुई थी अप्रैल सिक्स टू थाउजेंड सिक्स में सिक्स uh, में टाइगर इन द जू इन्होंने तब लिखी थी जब ये केवल सत्रह साल के थे ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पोएट और ये जो पोयम है एक सत्रह साल के लड़के के द्वारा लिखी गई पोयम है और कितनी डीप पोयम है दैट यू विल कम टू नो अच्छा जी चलिए अब हम जो हैं नॉरिस के बाद अब मैं टाइगर इन द ज़ू के बारे में आपको बताऊंगी देखो भाई मैं पहले एक साधारण सी चीज़ जो है आपको बताती हूँ टाइगर इन द जू अगर आप पोयम देखोगे तो सत्रह साल के अगर लड़के की लिखी हुई है दसवीं क्लास की पोयम है तो बहुत साधारण सा इसका एक्सप्लेनेशन देगा एक टाइगर था वो जो है काली पीली अपनी स्ट्राइप्स को लेके घूम रहा था और फिर उस टाइगर ने जो है वो अगर उसमें होता जंगल में होता तो फैट डियर को पकड़ रहा होता इतनी गंदी एक्सप्लेनेशन कौन पूछेगा मुझे ये बताओ नो बडी इज गोइंग टू बाई एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर उसके पहले राइटर से संबंधित बताऊं तो पहला क्वेश्चन होगा कि डायलन थॉमस से प्रभावित इनमें से कौन सा पोएट है च ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज ग्रेटली इन्फ्लुंस दिमाग में आया कि डायलें से कौन सा तो इफ यू हैवेंट हर्ड अबाउट डायलेंट थॉमस अगर आपने डायलन थॉमस के बारे में सुना ही नहीं आपने नॉरिस uh, के बारे में सुना ही नहीं तो यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन द ओरिजिन कौन सी कंट्री को कौन से ओरिजिन को बिलोंग करते हैं ये नॉरिस तो वेल्श हैं ह्यूज मतलब एक बात है कि जो पोएट लॉरियटशिप उन्हें मिलने वाली थी वो किसको मिल गई थी तो ह्यूज को मिल गई दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ठीक है जी तो हाँ जी लेस्ली नॉरिस के आप इतना समझ गए कि लेस्ली नॉरिस और वेल्श ओरिजिन के पोएट थे डायलन थॉमस से जो है काफ़ी प्रभावित थे नाउ लेट स्टार्ट अ टाइगर इन द ज़ू सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थीम जो है वो बताना चाहूँगी ये पोएम ना इतनी डीप पोएम है इतनी डीप पोएम है ये वाली टाइगर इन द ज़ू इसके बारे में मैं आपको बताऊं इसकी थीम अगर है कि लेस्ली नॉरिस ने फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी मैं बड़े आपको ना बहुत मन से जो है वो पढ़ाऊंगी एक मिनट ना जरा हमारे यहां पर हमारे इलेक्ट्रीशियन भैया आ गए हैं और वो टीटी टीटी -टी कर रहे हैं बहुत छिड़खानी करता ये हाँ जी वो इलेक्ट्रिशियन भैया आ गए हैं हमारे इसी इस समय आए हैं वो समय उन्हें अभी मिलता कोई बात नहीं चलिए हम पढ़ रहे थे टाइगर इन द जू ठीक है टाइगर इन द जू के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि टाइगर इन द जू की पहले आप मेरे साथ थीम जो है वो देखिए और थीम जो है मैं आपको बता के उसके बाद आगे बढ़ूंगी कि टाइगर इन द जू की थीम है फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी कहीं भी घूम रहे हैं जहां हमारा मन है वहां घूम रहे हैं और जब एक कमरे में बंद कर दिया जाता है यह हम आपसे बेहतर कौन समझता है जब कोरोना के समय वेन करोना वॉज इन फुल स्विंग तो हम सभी को अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था ये आज़ादी घूमने की तब हमें पता चल रही थी कितना मुश्किल है घर पर बैठना और जिनके घरों में करोना पेशेंट्स निकल आते थे वो जब पूरा का पूरा क्वारंटीन किया जाता था तो ये ना जो कैप्टिविटी फ्रीडम वर्सेज कैप्टिविटी कैसा लगता है फ्रीडम और कैप्टिविटी में क्या अंतर होता है इसके अलावा टेम्ड वर्सेस वाइल्ड एक वाइल्ड बीस्ट को अगर आप टेम कर लेंगे तो वो कैसा जो है वो महसूस करेगा इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी को आप बर्बाद कर देते हैं जब आप उसको नेचुरल वाइल्ड ब्यूटी को आप बर्बाद कर देते हैं जब आप उसको जबरदस्ती उसको आ, जो है अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं है ना तो मैंने अभी जब मैं कुछ एक डेढ़ एक साल पहले जब हम लोग लखनऊ में गए थे तो वहां पे मैंने वाइट टाइगर देखा था और बहुत लंबा होता है अप्रोक्स 11 फीट का होता है वाइट टाइगर एंड इट वॉज सच ब्यूटीफुल क्रिएचर कि इतना सुंदर होता है मगर जब आप वाइट टाइगर को देखो ना वो आपको देखता ही नहीं है आप उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करो ना वो देखते नहीं क्यों क्योंकि वो वाइल्ड बीस्ट ना जू के लिए और इनके लिए बना ही नहीं है सेम यही चीज इस उसमें बताएगी इसका सिंबोलिकल मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगी कि इसका सिंबोलिकल मीनिंग क्या है और ये टाइगर इन द जू का जो ये एक साधारण सा, एक सा वो है कि टाइगर इन द जू पांच स्टेंज़ास में है इसकी जो राइम स्कीम है आ, वो है ए बी सी बी राइम स्कीम और अब मैं आपको सीधा पोएम पे ले चलती हूं <coughs> चलिए मेरे साथ पोएम पढ़िए क्या वो हाँ बात सुन के मेरी <laughs> देखिए पहली जो स्टेंजा है वो ये है शुरुआत कर रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स ये जो विविड वर्ड है ना विविड स्ट्राइप्स में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है पहली फिगर ऑफ स्पीच ही इसमें यूज हुई है सिनेकडोकी अब कैसे यूज हुई है सिनेक्डोकी ही स्टॉक्स वह घूम रहा है पे, मैं इसको इंग्लिश में ही बोलूंगी कभी कभी मुझे भी खुद को यकीन दिलाना पड़ता है कि आई नो इंग्लिश एज वेल ठीक है हिंदी में पढ़ाते अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते मैं भी जो है थोड़ा सा खुश तो मैं हमेशा रहती हूँ मगर इसको मुझे भाई के पूरी कंट्री में लोग भर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके बारे में लोगों को इंग्लिश में भी मैं बताती हूँ ही स्टॉक्स स्टॉक्स का मतलब होता है धीरे धीरे चलना इन इज विविड स्ट्राइप्स विविड स्ट्राइप्स का मतलब होता है अपनी जो आड़ी टी रेखाएं हैं तो ये है इसका सिनेक्डो स्ट्राइप्स से पूरे टाइगर के बारे में बताया स्ट्राइप से किसके बारे में बताया टाइगर के बारे में बताया तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है दैट सिनेक्डो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज कि वो अपनी केज में थोड़े से कदम जो है वो लेता है हाउ हेल्पलेस ही इज ही का ही परसोनीफाई कर रहे हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया जा रहा है द फ्यू स्टेप्स धीरे धीरे फ्यू स्टेप्स जो है वो ले रहा है है ना तो वो जो है धीरे धीरे फ्यू स्टेप्स क्योंकि जहां से शुरू हुआ पिंजरा वही खत्म हो गया ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट का मतलब है उसके जो पंजे हैं पैरों के वो वेलवेट के हैं शांत चल रहा है बिल्कुल शांत है वेलवेट क्वाइट पैड्स ऑफ वेलवेट ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करी है फॉर क्वेश्चन भी आने वाले हैं भाई पांचों से हो सकता है दो सेंजा पढ़ा के पहले क्वेश्चन करा लू ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट रेज अब जो टाइगर है ना वो आने जाने वालों का ऐसे देख रहा है मैं क्या देखने की चीज हूँ मूंगफली खाते हुए आ गए मुझे देखने के लिए ऑन हिज क्वाइट रेज क्वाइट रेज कुछ सारा अंदर से बाहर से शांत है बाहर निकल जाऊ तो फिर बताऊं तुम्हें मैं ऑन इज क्वाइट रेज गुस्सा भी गुस्सा उग्रता और शांति दैट्स ऑक्न फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सी तो ये जो है अब खुद सोचिए हम टाइगर को देखने जा रहे हैं अगर टाइगर जंगल में हो तो हम उसे देखने जाएंगे ए भैया टाइगर कैसे हैं आप है? कैसी हैं आप टाइगर कहकर आओ भाई तुम्हें अभी बताऊ मैं फाड़ के तो वो ही इज इन खेज दैट्स वाई वी आर वी आर एबल टू वॉच हिम ही इज क्वाइट अभी इसमें in ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पीपल वो इंटरेस्टेड इन है लोगों में उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि दे हैव कम हेयर टू सी मी है मैं वो मतलब टाइगर को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि लोग मुझे देखने के लिए आने ऑब्वियसली अब यहां पर जो सिंबोलिकल मीनिंग है सिंबोलिकल मीनिंग ये है कि हाउ एवर हाउ मच एन एनिमल फेरोशियस इज कितना भी कोई फेरोशियस क्यों ना हो अगर उसे केज्ड कर दिया जाता है अगर उसे टेम्ड कर लिया जाता है तो एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन वॉच दैट एनिमल उसकी जो ताकत है उसकी जो पहचान है वो तब पता चलती है जब वो बाहर आता है जब वो खुला हुआ होता है ठीक है ना एक केस जो टाइगर को तो चलता फिरता कोई भी पत्थर मार जाए लेकिन जब बाहर है तो उसे कोई भी नहीं छेड़ सकता यहां पर यही है कि वेन यू आर अ स्लेव वेन यू आर बॉन्डेड एवरीबडी विल लाफ एट यू एंड द मोमेंट यू बिकम फ्री देन एवरी वन विल रिस्पेक्ट यू एंड योर पर्सनैलिटी that's the main thing ki people always try to make for people always try to play with your brain they try to make you captive and it's your free spirit that answers that answers back that exhibits your personality hai na और ये देखिए यहां पर अब मैं इसको एक बार इसके बारे में पूरा बताते हुए फिर आगे बढ़ती हूं Uh, यहां से एक चीज देखिए ये पहला जो uh, क्वेश्चनजा है हेयर द पोएट द टाइगर इज कन्फाइंड इन जू ठीक है द टाइगर इज कन्फाइंड इन जू ये सामने से सा हट जाऊं जरा द टाइगर इज कन्फाइंड इन जू मूविंग इन हिज केज एंड ही कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज टू स्मॉल टू मूव अराउंड एंड द नेक्स्ट वन इज ही He, one cannot hear its his footsteps because he has padded paws. And now the, he says the Trigger is trying to control his anger. He is angry with the people, he is angry with those who have been, who have caged him. But he is just trying to ignore others. And, uh, uh, next question. अरे कोई बात नहीं मैम uh, uh, एक वीडियो फिगर ऑफ मेरा वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पे बना हुआ है एक ये अनुराधा है ये हंसराज राखी ने कहा है टू इज अगेटिव वर्ड डोंट यूज इट विद मैम अरे कोई बात नहीं प्यार में कहा है कोई बात नहीं मैं प्यार से तो जो है वो सुन लेती मैं ही रेक्टिफाई कर देती हूँ बहन टू नहीं यूज करते वेरी यूज करते गंदी बात टू नहीं यूज करते अच्छी चीजों के लिए अच्छे टू नहीं यूज करते ठीक है एंड द फर्स्ट फर्स्ट इज तो first stanza को वी हैव हैव आई इट इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश वाइल्ड विविड स्ट्रिप्स सिनेकडोकी एक बार दोबारा से देख लीजिए सिनेकडोकी क्यों है क्योंकि स्ट्राइप से पूरे टाइगर को बता है द फ्यू स्टॉप्स ऑफ हिज केज कि और ये एंजैबमेंट है क्योंकि ये इसमें कंटिन्यू हो रहा है एंजैम्बमेंट है पैड्स ऑफ वेलवेट मेटाफर क्वाइट रेज ये ये है अब मुझे ये, ये बताइए फर्स्ट चैंजा के मैं अभी दो स्टेंजास करा के इनके क्वेश्चंस कराऊंगी तब हम आगे बढ़ेंगे तो पहला स्टेंजा अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लेट मी नो अबाउट इट क्योंकि भाई देखो क्लास हमारी ऐसी चल रही है जैसी हमारी अमूमन क्लास चलती है तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई यूट्यूब स्टूडेंट्स जो है ना मैम रॉकस्टार है हमारी धन्यवाद यूपी टेट वाले भी कर सकते हैं बहन यूपी टेट का इसमें तो कुछ भी नहीं है ठीक है क्लियर चलो इसकी राइम स्कीम देख लो भाई राइम स्कीम इसकी ये है स्ट्राइप्स ए केज बी क्वाइट सी रेज बी तो ये हो गया ए बी सी बी सारे स्टैंड की यही राइम स्कीम है दैट इज द राइम स्कीम ठीक है चलिए अब स्टैंडर नंबर टू लेते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वे प्लर पास ही शुड बी लर्किंग इन शेडो यहां पर वो कह रहे हैं कि शुड बी अब यहां से ये जो सेकेंड स्टैंडर है इसमें बताया गया है कि होना कहां चाहिए था कि उसको होना था उसको तो जंगल में होना था द टाइगर शुड द जंगल द टाइगर शुड द फॉरेस्ट the टाइगर बीन इन फॉरेस्ट वॉट वुड ही हैव डन क्या करता फिर वो तो ही शुड बी क्या करता वो ही शुड बी lurking. Lurking का मतलब होता है शेडो में एक शेडो शेडो का मतलब होता है जो छाया में छिपा हुआ होता लर्किंग मीन होता छिपा हुआ वो लर्किंग शेडो में छिपा हुआ होता स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास फिसलता हुआ था लॉन्ग ग्रास से नियर द वॉटर होल तालाब के पास वह प्लम्प डियर पास जहां से एक मोटा ताजा हिरन जो है वो गुजरता अब इसको मैं भाई इसको इंग्लिश में भी जो है वो बताऊंगी और इसको जो है इंग्लिश में इसका क्या है इसका का मीनिंग क्योंकि अब इन दो स्टेंजा को पढ़ा के आई टेक सम क्वेश्चन एज वेल लर्किंग लर्किंग का मतलब होता है टू बी हिडन एंड पोएट से टाइगर वुड है टाइगर फ्री होता इफ द टाइगर हैव बीन फ्री इफ द टाइगर हैुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड वु हिड हिमसेल्फ बिहाइंड शेडो

किसी जानवर को पकड़कर उसे केज में रख दो उसको कुछ करना ना पड़े उसे खाने की सब दे दो फिर भी वो खुश नहीं होगा इट्स अ वाइल्ड स्पिरिट एंड यू कैन नॉट टेम अ वाइल्ड स्पिरिट राइम स्कीम कैसे करते हैं ये देखो मैं राइम स्कीम बता रही हूं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास अब इसमें एक चीज मैं बता रही हूं प्लम्प पास ये जो है आपका एलिट्रेशन है ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी एलिट्रेशन है ओ, और जो है ये इसमें एंजैम्बमेंट तो है ही है क्योंकि एक से दूसरे में चलता चला जा रहा है एंजैम्बमेंट है और राइम स्कीम देखो ऐसा है राइमिंग वर्ड ढूंढो जैसे शेडो से कोई राइम नहीं होता तो ए जो ग्रास से राइम होता है वो पास है तो बी बी होल किसी से पास नहीं हो रहा तो होल किसी से भी जो है मैच नहीं हो रहा तो ए बी सी बी राइम स्कीम है सारे अपने आप ही जवाब दिए जा रहे हैं मुझे तो कुछ जवाब देने की जरूरत ही ना और इसमें हम इमेजरी देख रहे हैं अरे मेरी भी सुन लो अपनी अपनी बात करने में लगा पड़े हो मेरी भी सुन लो इमेजरी इमेजरी इसमें क्या है द पोएट इज ट्राइंग टू शो द फ्री स्पिरिट ऑफ टाइगर अच्छा एक चीज ये है कि इसमें जो सिम्बॉलिकल मीनिंग है आ, वो आप लोग इसका सिम्बोलिकल मीनिंग समझ रहे हैं आप इसका सिंबोलिकल मीनिंग समझ रहे हैं इसका सिंबोलिकल मीनिंग क्या है मैं अपनी तरफ से आपको symbol, इसकी जो थीम है ना वो याद रखिएगा बॉन्डेज जो है कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम ठीक है uh, freedom, एक इसकी थीम कैप्टिविटी वर्सेस फ्रीडम है और इसकी जो सिंबोलिकल मीनिंग है वो ये है यू कैनॉट कीप वाइल्ड स्पिरिट टेम्ड यू कैनॉट टेम अ वाइल्ड स्पिरिट है ना जी यू कैनॉट टेम अ वाइल्ड स्पिरिट एक वाइल्ड स्पिरिट को हमारा हमारे दिमाग से इसमें एक चीज यहां पर यह कही गई है कि यू कैनॉट बी हैप्पी इफ यू आर डूइंग द थिंग विच यू आर नॉट विच यू आर नॉट सपोज टू डू आप कभी खुश नहीं रह सकते अगर आपसे जबरदस्ती वो चीजें करवाई जाए जो आपको जबरदस्ती करवाई जो आप करना नहीं चाहते एंड यू आर हैप्पी वेन यू डू वेन यू डू द थिंग दैट यू इन विच यू आर हैप्पी जो चीज़ आपको खुश करती है अगर आप उसमें वो करते हैं तो दैट मेक्स यू हैप्पी वो आपको खुश करती है तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही बात है अब जैसे किसी को का अंग्रेजी पढ़ने का मन नहीं है अगर हमें तो जबरदस्ती है हमारी तो मजबूरी है क्या करें तो ई और शी कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट अगर किसी चीज़ का मन नहीं है वैसे जॉब जो है वो पाना मन का ऊपर डिपेंड नहीं करता है लेकिन अगर मैं ये कह रही हूं कि अगर किसी चीज में मन नहीं है ना तो कोई कितना ही आपको प्रेशराइज करे नहीं हो सकता उस चीज को वो जबरदस्ती कर लोगे उस चीज को जबरदस्ती करोगे तो वही चीज कही गई है कि ये यहां पर ये ये चीज ये भी दिखाई गई है सिंबोलिकल मीनिंग ये है कि अ वाइल्ड स्पिरिट कैन नॉट बी टेम्ड इट मीन योर नेचुरल डिजायर्स कैन नॉट बी टेम्ड नेचुरल डिजायर्स को फ्री लाइफ कंपेयर टू जो है बॉन्डेज और फ्रीडम को कंपेयर किया गया bondage, है बॉन्डेज बंदी बनाए हुए हैं चाहे महलों में रख दो बंदी बनाया हुआ है इंसान खुश नहीं रह सकता हमको मैथ्स पढ़ने का मन नहीं होता मेरा भी मेरा भी अब ये दो स्टैंजा हैं और इन दो स्टैंजा पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और इनको क्वेश्चन को करके फिर आगे बढ़ेंगे दो स्टेंजर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो मेरे साथ साथ पहले क्वेश्चंस करिएगा कौन सा पेज नंबर है ये <coughs> इतना सब तो आपको मिलेगा ये जो सब मैंने समझाया है ये वही सारी चीजें <coughs> पानी तो पी लिया तो अभी पहले क्वेश्चंस करा दू पानी पी लूंगी इसमें हाँ भाई चलिए स्टेंजर वन एंड चेंजर टू के क्वेश्चंस जो हैं लेते हैं He walks in his vivid stripe, the few steps of his cage on pads of velvet quiet, in his quiet phrase. तो ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा है चला मैं एक मिनट इसको छोटा सा कर दू द टाइगर पॉज आर कुशं लाइक क्वेश्चन नंबर वन है uh, पहला क्वेश्चन तो छोटा सा ही छोट नन्ना सा क्वेश्चन है Yes. क्वेश्चन नंबर वन द टाइगर पॉज आ क्वेश्चन लाइक बिल्कुल सही जवाब है द टाइगर्स पॉज आर क्वेश्चन लाइक वेलवेट क्वेश्चन नंबर वन का बिल्कुल सही जवाब आया है वहां से वह बहुत ही साधारण क्वेश्चन था मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि हां पूछ लेना प्रीति ठीक है ये रहा पहला क्वेश्चन द टाइगर पॉज आर क्वेश्चन लाइक वेलवेट क्वेश्चन नंबर टू वैसे एक बात है जैसी क्वेश्चन शुरू करवाने शुरू करूँ उस उसकी संख्या बढ़ जाती है सबको तो बस क्वेश्चन ही देखने हैं मैं क्या पढ़ा रही हूं उससे तो कोई मतलब नहीं है पैड्स ऑफ वेलवेट वेलवेट की स्पेलिंग गलत है पैड्स ऑफ वेलवेट आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइस वॉट इज द पोइटिक डिवाइस इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है बिल्कुल सही इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है क्यों यूज हुई है मेटाफर मेटाफर इसलिए यूज हुई है क्योंकि पैड्स को पॉज को कंपेयर किया गया है वेल्वेट से बिल्कुल सही टू का आंसर है डी अब क्वेश्चन नंबर थ्री लेते हैं इन हिज क्वाइट रेस विच पोइटिक डिवाइस इज यूज हेयर इन हिज क्वाइट रेज विच पोइटिक डिवाइस इज यूज हे क्वेश्चन नंबर थ्री क्वाइट और रेज कौन सी पोइटिक डिवाइस जो है वो यूज की गई है ट रेज क्वेश्चन नंबर थ्री सी बिल्कुल सही है मैंने आपको बताया था क्वाइट इज शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा तूफान तो शांत तूफान दो ऑपोजिट वर्ड्स हो गए तो दैट्स ऑक्सीमोरोन चलिए पहला वाला पड़ाव पार कर लिया है सेकेंड स्टेंजा लेते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेर पम्प प्ल डियर पास अब जरा इसका क्वेश्चन देखना क्वेश्चन ये है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोएट विशेज फॉर द टाइगर टू बी स्लाइडिंग थ्रू द फॉलिज एज दिस वुड फॉलियज मतलब होता है शेडो तो भैया जरा ये क्वेश्चन पढ़ लो और क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे लो कि एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टाइगर पोएट क्यों विश करता है कि स्लाइड करे ग्रास से स्लाइड करे

पोएट क्या विश करता है कि टाइगर जो है वो से स्लाइड क्यों करेगा क्यों करेगा भाई क्योंकि अगर जो शिकार है वो छिपा रहेगा तो उसको जो है अपने प्रिडेटर की साउंड जो है वो नहीं आएगी आप लोगों ने सबने गलत जवाब दिया इसका आंसर है ए जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वो सही है इसका आंसर आप, आपको क्या लगा तीन क्वेश्चन साधारण दूंगी तो उसके बाद सारे के सारे साधारण ही दूंगी तो कैसा लगा हमारा मजाक कैसा लगा मेरा मजाक बढ़िया था ना मजाक है ना नहीं no, क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रैक्ट के अनुसार पोएट क्यों विश करता है कि टाइगर जो है वो ग्लाइड करे तो ये जो है ये इसलिए है क्योंकि जो अगर टाइगर छिपा रहेगा तो वो जो है ना उसके प्रे को यानी कि उसके जो शिकार है उसे उसकी आवाज ही नहीं आएगी और उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा तो ये केमोफ्लाज नहीं है केमोफ्लाज का मतलब तो होता है टाइगर जो है वो ग्रास लपेट कर आ जाएगा भाई मैं आ गया हूं तुझे पता थोड़ी चल रहा होगा डियर है ना तो ये जो है ना केमोफ्लाज करने का मतलब होता है अपने आप को रूप बदल लेना छिपा लेना तो एड इन केमोफ्लाजिंग द प्रेजेंस ऑफ द प्रिडेटा बिफोर इट राशेज इन तो ये जो है यहां पर आप लोग का ये इससे जो घास में छिपा रहेगा ना उससे उसका जो प्रे है यानी कि जो शिकार है उसे यही नहीं पता चलेगा क्योंकि टाइगर के चलने की उसके बोलने की आवाज जो है आ, जो है सुनाई जो है नहीं देगी तो जिसने ए जवाब दिया बिल्कुल सही है है ना तो इसीलिए इसका आंसर है ए आप देखो छोटे छोटे क्वेश्चन के बाद थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन लाते हैं ना अब क्वेश्चन नंबर टू भी ध्यान से पढ़ लेना विच फैक्ट डज नॉट कनेक्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉटर होल फॉर द टाइगर पहले क्वेश्चन समझ लो अब वैसे तो मैं वहां होंगी नहीं तुम्हें तो क्वेश्चन समझाने के लिए लेकिन फिर मैं यहां पर समझा सकती हूं कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है विच फैक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉटर होल कि इनमें से कौन सा जो जो सेंटेंस है वो वॉटर होल को कनेक्ट नहीं करता यानी कि वॉटर होल के मामले में सही नहीं है थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिल्कुल मेनी टाइगर्स चेज प्रे इन टू द वॉटर एंड होल्ड द विक्टिम्स हेड अंडर वाटर टेलीड ड्राउन्स अब आपको अगर टाइगर इन द जू पढ़ रहे हो तो थोड़े टाइगर के करेक्टरिस्टिक्स भी पता होना जरूरी है जो टाइगर होते हैं ना वो अपने वाटर होल में जो है वो अपने शिकार को पकड़ते हैं उसका सिर पकड़ते हैं और उसको तब तक डुबोते हैं जब तक कि जो है वो डूब नहीं जाता जब तक पकड़े रहते हैं प्रे फीड इन द वॉटर ऑन वाटर लिलीज वाटर लिलीज वो खारा होता है एंड ऑफन वेंडर और वो बीच में चला जाता है और जहां पर टाइगर के लिए उसे पकड़ना आसान होता है अब तीसरा भी सुन लो प्रे शिकार ने पानी पी लिया होता है तो टाइगर को बहुत बढ़िया लगता है ओहो, अच्छा हुआ गीला -गीला मीट आ गया मेरे लिए। टाइगर कहता है प्रे फ्रॉम शेलो टू डीप वॉटर वेद टाइगर ग्रैब सेड की जो वॉटर होल में जो जब, जब शिकार घबरा जाता है तो उसको पकड़ना आसान होता है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इस वाटर होल से कनेक्ट नहीं करता तो बताइए टू का आंसर क्या होगा कौन सा वाटर होल से कनेक्ट नहीं करता राखी ने सही दिया है ममता ने सही दिया क्योंकि मैंने ये सब समझाया तो राखी ने ममता ने सही दिया है जवाब फरहीन ने गलत दिया है ज्योति ने सही दिया है भाई सी है कोई टाइगर ये नहीं कहता होगा अपने शिकार से थोड़ा और पानी पी लो मुझे मजा आएगा कि जब तुम्हारा मीट गीला गीला सा मॉइस्ट सा होगा तो मैं अपनी वाइफ से कहकर बढ़िया सा मीट बनवा लूंगा ये प्रे, ये टाइगर तो नहीं कहेगा ना तो ये इस क्वेश्चन को समझिए द आंसर इज सी दैट इज सी प्रे दैट है अब देखो भैया ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन जो है आप ये दिमाग के चलिए कि दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्ट है ना यही क्वेश्चंस ऐसे ही मतलब यही नहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ह चलो अब बहुत आसान क्वेश्चन आया ये तो सब बता देंगे हु पासिस नियर द वॉटर होल हु पास नियर द वॉटर होल दैट इज थ्री का हु पास नियर द वॉटर होल दैट इज दैट इज फैट डियर बिल्कुल वेयर शुड द टाइग क्वेश्चन नंबर फोर थ्री का आंसर है सी क्वेश्चन नंबर फोर वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ टाइगर खुद को कहां छिपाएगा वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ बिहाइंड द ट्री इन द शेडो इन द हाउस इन द जंगल ये अभी आपको बताया था मैंने दैट इज थ्री का है इन द शेडो फोर का सॉरी फोर का है बी इन द शेडो फोर का बी पोयम तो आसान सी लेकिन क्वेश्चन नहीं है ऐसी तो होता है बट एक चीज सिंपल सी चीज है चलो फिर बाद में बात करेंगे पिक द फ्रेज दैट डज नॉट सजेस्ट दैट द फॉरेस्ट इन द एक्सट्रैक्ट इज लश पिक द फ्रेज लश का मतलब होता है घना पिक द फ्रेज इनमें से वो फ्रेज लीजिए दैट डज नॉट सजेस्ट जो नहीं बताता है कि फॉरेस्ट जो है वो लश है इनमें से कौन सा चीज जो है वो लश का ख, जो है सिंबल नहीं है लश का मतलब होता है घना लश मींस घना इनमें से कौन सा फ्रेज लश को नहीं बताता नहीं इनमें से जो फ्रेज lush को नहीं बताता वाटर होल जो होता है ना मैं आपको एक चीज बताती हूं थोड़े से मेरी ड्राइंग देखिए। वाटर होल जो होता है वो पानी के जो है ये जो वाटर ये तालाब है ये पानी ये जो है पेड़ों के बीच में होता है लॉन्ग ग्रास वाटर होल और ये जो है forest वो इसमें आता है लर्किंग इन शेडो लर्किंग इन शेडो कहीं से कहीं तक भी जो है वो नहीं बता रहा है कि जो है भाई लर्किंग इन शेडो का मतलब होता है शेडो शेडो का मतलब होता है कोई शेडो को कहते हैं परछाई परछाई में तो लर्किंग इन शेडो परछाई तो किसी भी चीज की हो सकती है परछाई में चलता हुआ तो परछाई में चलता हुआ वो उससे हमें नहीं पता चल रहा कि फॉरेस्ट जो है वो घ, 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 घना है हरा भरा है हरा भरा और घने को बोलते हैं अब आप सोच रहे फैट डियर से कैसे होगा एक बात बताओ अगर सुखा सड़ा डियर होगा तो इसका मतलब तो फॉरेस्ट हरा भरा वो है ही नहीं अगर डियर मेरी तरह पतला दुबला होगा तो कैसे पता चलेगा कि फॉरेस्ट जो है वो हरा भरा है आप बताओ ना फॉरेस्ट के हरा भरा घना होने का किससे पता चले वहां के इनहेबिटेंट्स को देख के अगर जो इन्हैबिटेंट जैसे डियर है मोटा ताजा डियर है तो इससे पता चल रहा है बहुत घास है तो उसको ही तो खाता है लॉजिक लगाओ लॉजिक वाटर होल वो छिपा रहता है पानी के बीच में वो झाड़ियों के बीच में जो लॉन्ग ग्रास है वो है ही घने का लेकिन लर्किंग इन शेडो से कहीं नहीं पता चल रहा तो लर्किंग इन शेडो जो है वो क्या हो गया दैट इज लर्किंग इन शेडो मींस कि परछाई में जो चलना तो परछाई जो है वो तो किसी भी चीज की पड़ सकती है तो इसीलिए लर्किंग इन शेडो फॉरेस्ट के बारे में बताता हुआ नहीं है है ना हाँ मेरी तरह पतला दुबला तो अगर मेरी तरह पतला दुबला तो पता कैसे चलेगा ना ऐसे तो ये शेडो का प्रीति यहां पर यही तो चीज यहां पर वो करा गया लर्किंग इन शेडो तो हमें ना इनमें से ये फ्रेज देखना है जो फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है वो शेडो में चल रहा है स्लाइडिंग इन ग्रास ग्रास में जो है वो स्लाइड कर रहा है एक ये जो फ्रेज आ रहा है ना लर्किंग इन शेडो लर्किंग का मतलब है कि वो एक परछाई में शेडो किस चीज की है ना आप देखो लॉन्ग ग्रास जो है वो सिंबल है किसका जो है इसमें लॉन्ग ग्रास जो है वो सिंबल है हरे भरे उसकी वाटर होल है झाड़ियों जारी, के बीच में द, डियर सिग्निफिकेट प्लम्प जानबूझ के दिया है मोटा ताजा है लेकिन लर्किंग इन शेडो से फॉरेस्ट का नहीं पता चलता क्योंकि लर्किंग इन शेडो का मतलब है कि अगर रात का अंधेरा है और पत्थरों के पीछे छिपा हुआ है तो भी तो लर्किंग इन शेडो हो गया ना अरे नहीं शेडो का मतलब तो पत्थरों की भी हो सकती है किसने कहा कि शेडो केवल पेड़ों की ही है पत्थरों की भी तो हो सकती है वो जो है पत्थर ये जो तीन है ना ये पूरे के पूरे तीनों जो हैं वो उसके बारे में बताते हैं फॉरेस्ट के बारे में लर्किंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना है ना तो ये जो है शेडो में भाई पत्थर के पीछे भी तो छिप सकता है अब हो सकता है फॉरेस्ट में पत्थर हो चट्टान के पीछे भी तो छिप सकता है कनेक्शन लगाओ कनेक्शन अब प्लम्प डियर मोस्टली लोग इसमें प्लम्प डियर लगा देंगे भाई प्लंप डियर से तो फॉरेस्ट का कुछ नहीं पता चल रहा भाई डियर का है एक इंसान जो है हट्टा कट्टा खाते पीते घर का हो तो उसे कोई उसे देखकर ही बता देगा ना अभी कोई हट्टा कट्टा इंसान खाता पीता ही मैं बहुत गरीब हूं मेरे पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है तो उसे कहेगा यार तुम्हारे जैसा गरीब तो इंसान हर एक किसी को बना दे तो प्लम्प डियर से ये पता चल रहा है कि जो डियर है वो जो है <laughs> खाता पीता है यानी कि इतना सारा खा खाने पीने का सामान है ठीक है ये जो है मुझे आपको बताना था <coughs> तो दैट इज वाई ये जो है ये मैंने आपको कनेक्शन बताया है इसका तो अब आपको मैं स्टेंजर थ्री जो है वो पढ़ा रही हूं यहां तक मैंने इसके क्वेश्चन इसी के नीचे दिए हुए हैं इसीलिए स्टेंजर थ्री यहीं से पढ़ा देती हूँ तो आई खाता पीता ठीक है ज्योति ने अब भी गलत जवाब दिया है ठीक है तो मैंने आपको पूरा कनेक्शन बताया इसे कैसे अब ये मैं आपको इसमें कह रही हूं भैया कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ बहुत डीप मीनिंग बिल्कुल 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 हाँ थ्री पढ़ते हैं आई होप कि आपको जो है ये चीजें अच्छी लग रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो क्वेश्चन सेकंड क्लियर नहीं हुआ बेटा क्वेश्चन सेकंड जो है वो ये था इसमें उन्होंने ये पूछा था कि इनमें से कौन सा जो आ, फैक्ट है वो वाटर होल के बारे में सही नहीं है तो वाटर होल के बारे में ये पूछा गया था तो वाटर होल के बारे में अगर आप टाइगर की एक्टिविटीज़ को जानें तो अगर आपने डिस्कवरी देखा हो कभी जो है वो डिस्क वो क्या आता है वो डिस्कवरी चैनल पे आता भी है कि जो ये एनिमल्स होते हैं ये जो प्रीडेटर्स होते हैं ये अपने शिकार को पकड़ के उसका सिर पकड़ के डुबोते हैं वो जो है शिकार को बीच पानी में पकड़ते हैं या शिकार जब गहरे पानी में चला जाता है तो पकड़ते हैं लेकिन कोई भी जानवर कोई भी प्रीडेटर कोई भी टाइगर जो है ना वो जाकर डियर से ये नहीं कहता भाई ऐसा है तू तो पानी ज्यादा पी ले मुझे ना मुझे सॉफ्ट मीट खाना ज्यादा पसंद है आज तेरी भाभी से भाभी जी से जाकर तुझको बनवाऊंगा सॉफ्ट मीट बनवाऊंगा तो इसीलिए तू पानी ज्यादा पी ले जिससे कि मैं तेरी भाभी जी से कह के तुझे बनवा सकू तो यही वाटर होल को समझते हुए यही ऑप्शन गलत है इसीलिए इसमें जो है वो सी ऑप्शन हमने लिया था है ना तो यही हाइड्रेटेड मीट वाला वही हमने लिया था चलो स्टैंडर थ्री पढ़ा देती हूँ ठीक <coughs> 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 है जी तो ये स्टैंडर थ्री जो है तो स्टैंडर थर्ड पढ़ते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज स्नार्लिंग का मतलब होता है रोआ करना यानी कि गुर्राना। ही शुड बी अरे टाइगर को क्या करना चाहिए था उसे तो हाउसेस जो जंगल की किनारे पे जो घर हैं वहां जाके गुर्राना चाहिए था लोगों को डराना चाहिए था बेयरिंग इज वाइट फैंक्स बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स उसे अपने वाइट फैंक्स जो हैं यानी कि फैंक्स ये आगे के दांत होते हैं देखो मैंने बना के भी दिखा दिए बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स और जो है आ, अपने सफेद सफेद दांत दिखाने चाहिए थे his claws. अपने पंजे दिखाने चाहिए थे विलेज और उसे तो जंगल को डराना गांव के लोगों को डराना चाहिए था और करके आ रहा बावला केज में चल रहा है केज में चल चल के जो है यू सोच रहा है कि ओ मतलब वो तो बेचारा क्या सोचेगा तो यहां पर ये यह देखिए कि इसमें मैं आपको यहां पे ये यह दिखाती हूं देखो fangs, claws, symbols of power and dominance, symbols of power and dominance. देखो, ये भी मजाक कर रहे, देखो here the poet is saying the tiger should have been snarling around the houses and he should have shown his uh, fangs and claws and he should have terrorized the villagers and what is he doing he is just walking uh, roaming uh, here and there in his cage so these paws and claws are the symbol of power and dominance and that power and dominance has uh, the power and dominance have been taken by human beings Human beings ने वो पार एंड डोम वो ले लिया है उससे तो ये जो है ही शुड भी स्नार्लिंग साउंड आ रहा है तो साउंड आ रहा है तो कौन सी जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है स्नार्लिंग रो रोर की साउंड आ रही है तो कौन सी जो है वो फिगर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी ए बी ए बी ना है ए बी सी भी है हांजी ये रोर आ रहा है तो कौन सी इसमें फिगर ऑफ स्पीच है साउंड है दैट्स ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपिया एंजैम्बमेंट है क्योंकि इसमें लाइन जो है वो बिना पंचुएशन uh, मार्क के एक लाइन दूसरे में जा रही है तो एंजैम्बमेंट है बेयरिंग हिज हिज यूज करा जा रहा है टाइगर के लिए पर्सोनिफाई है वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ये ग्रामर का रूल होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना उन्हें ही और शी करके कहा जाता है उन्हें इट नहीं कहा जाता तो पर्सोनिफिकेशन यहां पर उसका इसलिए हिज से पर्सोनिफिकेशन नहीं है क्योंकि आज इंसानों के फैंक्स और क्लॉज uh, नहीं होते हैं अब हमारे ग्रह पे तो पाए नहीं जाते और हमारे मेरठ में भी नहीं पाए जाते कि जिन लोगों के फैंक्स एंड क्लॉज होते हों अब किसी और ग्रह पे किसी और शहर में पाए जाते हों तो इसे परसोनिफिकेशन कर देंगे वैसे मैं आपको एक चीज बता रही हूं ए, इसकी इ, ये ग्रामर का रूल है नाउन का जेंडर जो बताते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स उन्हें ही और शी करके यूज करते हैं। ये तो जो जानवर डोमेस्टिक uh, एनिमल्स होते हैं या जो ऐसे ही सड़क पर घूमने वाले जानवर होते हैं छोटे जानवर उनके लिए इट यूज़ करते हैं घरों में पलने वाले जानवरों के लिए भी ही और शी यूज करते हैं तो इसीलिए इसमें परसोनिफिकेशन हमें अब एक बार बताओ माधुरी कह रही है मैम इसमें ए माधुरी एक बात मुझे बता कौन सा इंसान जो है वो जो है विलेजर्स के पास जाके रोअर रोअर करता गुर, गुर करता यह बता भाई अगर ऐसे कोई करेगा तो यह कह तो पागल हो गया ये इसे में भर्ती करा दो परसोनिफिकेशन कैसे है मुझे बता दो तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि अगर कोई इंसान है ना पर्सोनिफिकेशन तुम समझो अगर पर्सोनिफिकेशन होता इसमें पर्सोनिफिकेशन नहीं है हिज से पर्सोनिफिकेशन मत लो कोई इंसान गया और विलेजर्स के पास जा गुर 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 रो अर रो अर मैं टाइगर हूँ रोअर रोअर रो, रो। अरे भैया उसे बावला समझ लेंगे हमेशा उसे बावला समझ लेंगे यहां परसोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच बिल्कुल भी नहीं है जहां पर घूमने के सेंस में लिया गया है और ये नहीं बताया जो उसमें ना गुस्सा उसका दिखाया गया है वहां उसका परसोनिफिकेशन ले सकते हैं लेकिन इसमें प्रसोनिफिकेशन नहीं है इस वाली सेंजा में प्रसोनिफिकेशन नहीं है इसमें तो देखो यहां एस आ रहा है एस 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 है कॉन्सोनेंस ठीक है कॉन्सोनेंस है ओनोमोटोपिया है और एंजैबेंट है फेज देंगे मेंटल असाइलम बिल्कुल सही बात <laughs> गुरु -गुर <के> <laughs> तो ये, ये जो फैंग्स क्लॉज जो है ये सिंबल्स ऑफ पावर एंड डोमिनेंस है सिंबल्स ऑफ पावर एंड डोमिनेंस अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है अगर ये चेंजा आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है लेट्स डू दीज क्वेश्चन ठीक है नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज चलिए ये वाला क्वेश्चन है नेम द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज स्टैंजर नंबर थ्री की लाइन है दैट इज बिल्कुल सही कॉन्सोनेस क्योंकि इसमें हिज फैंक्स ए एस ए फैक्स में एस एस हिज में एस क्लॉज में एस कॉन्सोनेस आ रहा है तो इसका आंसर है दैट इज डी कॉन्सोनेस बिल्कुल सही जवाब व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन जंगल लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स इग्नोरिंग विजिटर्स बेरिंग हिज व्हाइट फैक्स क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल ये इससे नहीं पता चल रहा क्योंकि ये तो उसको जब जू में होगा तब पता चलता है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स इग्नोरिंग विजिटर्स बेरिंग हिज वाइट फैंक्स बिल्कुल बिल बिल्कुल सही जवाब प्रीति का सबसे पहले वॉट इज एसोनेंस एसोनेंस भी बताएंगे कॉन्सोनेंस तो बताया है जब उसमें होता है जब वॉल साउंड रिपीट होता है तो एसोनेंस और जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो कॉन्सोनेंस Bearing his white fangs. That's a D. Bilkul sahi. That's two ka answer hai D. Question number three. Find the out the opposite of the word bearing. Find out the opposite of the word bearing. That's by bearing ka matlab hota hai dikhana. Toh uska opposite kya hoga? That's question number three. Question number three. That's A. Bilkul sahi. इसका है हाइडिंग छिपाना बेरिंग मतलब दिखाना तो इसका होगा छिपाना अब मैं यहाँ पर तो एक मिनट का ब्रेक जो है वो लेती हूँ और अब आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि भाई यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं कोई इसमें वो तो नहीं कि आ, समस्या वैसे होनी तो कुछ चाहिए नहीं ठीक है हाँ जी यहाँ पर आ, जो है मैं एक मिनट का ब्रेक जो है वो ले रही हूँ पानी भी पी रही हूँ और ब्रेक भी ले रही हूँ इज एवरीथिंग क्लियर सारी चीज जो है वो क्लियर है क्योंकि मैं कल आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी कि मैं इस वीक क्या क्या चीजें आप लोगों को पढ़ाऊंगी और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए करूंगी और तब उसके बाद मैं फिर आगे पढ़ाऊंगी नो प्रॉब्लम मैम ठीक है बहुत अच्छी बात है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम यूज जिंजर एंड हनी फॉर योर थ्रोट के लिए तो मुझे पूरे सर्दियों में यह प्रॉब्लम रहेगी रहेगी ठीक है फिर भी तुम कह रहे हो तो जिंजर एंड हनी मैंने तो क्या क्या बना के रख रखा है <laughs> मैम क्या आप हम सभी को ये एडवांस में बता सकती हैं आप किस क्लास की बुक से स्टार्ट करने वाली हैं ताकि हम उसको एडवांस में पढ़ मैंने फिलहाल अभी टेंथ ले रखा है मैं अभी मेरा ये है कि इस मंथ में टेंथ वाला पार्ट कवर कर दूँ फिर मैं नाइन्थ लूंगी कहां है कोई बात नहीं अब तो मैंने ओके पर चिड़ना बंद कर दिया थैंक यू थैंक यू तो जो है नो फियर वेन गुरुमा इज हियर। कोशिश मेरी पूरी है योर टीचिंग स्टाइल इज आउटस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच क्रिस्टल क्लियर चलिए अब फर्स्ट एंजल नंबर फोर्थ पे चलते हैं और स्टेंजा नंबर एक चीज़ मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगी ऑक्सीमोरोन एंड एंटीथीसिस इसको हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर लेंगे सिलेबस बहुत ज़्यादा है मेरी पूरी कोशिश है मैं एक आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी आप लोग ना एक बार बुक्स जो है वो आ, आप बुक्स ले लीजिए सिक्स से ट्वेल्थ तक की बुक्स जो है वो आप सिक्स से टेंथ तक की बुक्स लीजिए सिक्स और सेवन्थ और एट्थ की समरीज पढ़नी तो शुरू करिए कम से कम मेरे पास जितना वो होगा मैं करूंगी नाइन्थ तो, और एक बात मार्क माई वर्ड क्वेश्चन नाइन टेंथ में से आएंगे क्योंकि उन्हें ग्रेजुएशन लेवल का बनाना आसान है सिक्स सेवेंथ एथ को ग्रेजुएशन लेवल का बनाना बहुत मुश्किल है मार्क माई वर्ड नाइन टेंथ में से क्वेश्चन जो है वो टीजीटी लेवल के आएंगे और उसमें आपको वो चीज है आप लोग एक बार समरी समरी तो पढ़ना शुरू करिए कम से कम समरी पढ़ेंगे वो भी उससे भी रहेगा बाकी मैं अपनी तरफ से जितना करा रही हूं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा करा सकू ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हमारा स्टैंडर नंबर फोर है बट ही इज लॉग मेरे तो हस्बैंड ही मुझे बोल देते चलो चलो पढ़ा लो ज्यादा बात मत करो पढ़ा लो बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल मगर वो बंद बंद है कॉन्क्रीट सेल में अब यहां पर कॉन्क्रीट सेल यानी कि इसको उसकी जो कॉन्क्सेल कंपेयर करा गया है जो उसका पिंजरा है उसको जेल की कोठरी से कंपेयर किया गया है जो पिंजरा है बट ही इज लॉकड मगर उसे बंदी बना रखा यह पूरा मेटाफर है उसे बंदी बना रखा है एक पत्थरों से एक कंक्रीट के जो है जेल में बिहाइंड बार्स जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वो बार्स के पीछे है है ना <coughs> जो उसकी स्ट्रेंथ है वो सीखचो के पीछे है और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इज केज इग्नोरिंग स्टॉकिंग लेंथ ऑफ इज वो चल रहा है अपने जितने उसका पिंजरा है उसमें वो चल रहा है स्टॉकिंग यानी कि इग्नोरिंग विजिटर्स और विजिटर्स की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा यहां पर उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट दिए गए हैं इसीलिए यहां फिगर ऑफ स्पीच जो है वो परसोनिफिकेशन बिल्कुल आ सकती है क्योंकि यहां ह्यूमन बींग्स को वो इग्नोर कर रहा है एह आ गए बेव कुफड़े जो है लोग आ गए और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग क्यों आए हैं आई डोंट केयर अ डाइम आई केयर अ डाइम सॉरी आई डोंट केयर अ डाइम नहीं आई केयर अ डाइम देखो केज जो है यहां पर ये यह जो बार्स है ये मेटाफर है कैप्टिविटी के लिए दैट्स अ मेटाफर फॉर कैप्टिविटी और यहां जो सिंबल दिए गए हैं आप बड़े कूदते कूदते जो हैं आप उसमें जो है कूदते कूदते जो है वो गए और उसको देख लें एक मिनट एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं ये बी कंटिन्यू मैम का क्या मतलब है भाई वट इज द मीनिंग ऑफ दिस बी कंटिन्यू आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट और इससे ज्यादा क्या कंटिन्यूड हुआ जाता है जी बट ही इज लॉक्ड इन अंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बाज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इज केज इग्नोरिंग विजिटर्स ही इज लॉक्ड इन अ यहां पर कॉन्क्रीट सेल कंपेयर करा गया है उसके पिंजरे को जेल की कोठरी से मेटाफर his strength behind bars metaphor for captivity ki jo tiger hai, he, he is locked in in a sort of jail he is just moving here and there in his cage and he is not paying any attention to the visitors he is not paying any attention to the visitors because he don't care he doesn't care for them उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है तो ये यहां पर यह क्या है कि तो ये जो इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है वो समझते हैं इसका सिंबॉलिकल मीनिंग ये है कि इफ हु इज पावरफुल इनफ टू टीयर एनी वन आउट इफ दैट पर्सन और इफ दैट वाइल्ड स्पिरिट हैज बिन पुट इन टू केज दैट पर्सन और दैट वाइल्ड स्पिरिट ऑब्वियसली विल नॉट पे एनी अटेंशन टू द पर्सन हु आर कमिंग टू विजिट हिम तो हे द सेम मीनिंग इज आप उसे देखने के लिए जा रहे हैं टाइगर को बट द टाइगर इज नॉट पेइंग अटेंशन टू यू वाई क्योंकि उसके लिए आप कोई महत्व ही नहीं रखते अगर आपको टाइगर को देखना है तो एक बार उसे पिंजरे से बाहर निकाल के देखिए तब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा होगा अगर टाइगर पिंजरे में अगर टाइगर है तो सभी सभी शेर बन जाते हैं तो ये कहने का मतलब ये है कि टाइगर ना अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर लोगों पर दिखा इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसे भी पता है कि वो इस समय केज्ड है और उसको जो है वो चीज जो है उसको जब वो केज्ड है तो उसे जो ये लोग देखने आ रहे हैं वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते कोई फर्क नहीं पड़ता उसको तो यहां पर ही इज लॉक्ड इन अ अंक्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स अब आप यहां पर फिगर ऑफ स्पीच देख लीजिए यहां कॉन्क्रीट सेल एलिट्रेशन बिहाइंड बार्स एलिट्रेशन और ये जो है यहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि इसमें जो रिपीटिशन हो रहा है वो सेम लेटर का रिपीटेशन हो रहा है जैसे सी सी बी बी और यहां पर ये जो है ही इज लॉकडिन यहां पर उसे एट्रीब्यूट्स जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिए हैं तो परसोनिफिकेशन अब यहां देखिए अब ये स्टैंडर्ड फोर के क्वेश्चन हैं द वर्ब्स टॉकिंग मीन्स द वर्ब्स टॉकिंग मीन्स वॉकिंग प्राउडली वॉकिंग एंग्रीली बोथ ए एंड बी नीदर ए नीदर एंड सी The verb stalking means walking proudly, walking angrily, both A and B, neither A and C. That इज स्टॉकिंग का मतलब इसमें बताइए बिल्कुल इसका नहीं अब ऐसी क्वेश्चन तो कंफ्यूज कर देते हैं वन का आंसर है सी गुस्से में और घमंड गर्व में चलना दिव्या ने सही जवाब दिया है बी नहीं है इसका इसका आंसर आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं भाई क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी वॉकिंग प्राउडली एंड एंग्रीली स्टॉकिंग एंग्रीली एंड प्राउडली तो आंसर इज सी क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सी बोथ ए एंड बी डी तो बिल्कुल भी नहीं है क्या कर रहे हो वॉकिंग एंग्रीली एंड वॉकिंग प्राउडली चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं द टाइगर इग्नोर द विजिटर्स आउट ऑफ टाइगर विजिटर्स को इग्नोर क्यों कर रहा है एंगर रेवरेंस मतलब टाइगर जो है बहुत सम्मान करता है विजिटर्स का डरता है टाइगर इनमें से तो बहुत साधारण है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स आउट ऑफ हम्म दैट इज ए बिल्कुल सही एंगर क्वेश्चन नंबर टू द फ्रेज कॉन्क्रीट सेल रेफर्स टू द फ्रेज कॉन्क्रीट सेल रेफर्स टू That इज ए थ्री का आंसर है आपका ए a, प्रिजन a मैंने बताया था मेटाफर है प्रिजन और यहां तक हुआ अब अब इसका लास्ट चैंजा है जो हम कल कर लेंगे एक घंटा हो गया <laughs> एक चेंजा नहीं हो पाया वैसे कल कर लेंगे यस चेंजा समझा देती हूँ क्वेश्चंस कल कर लूंगे हाँ लास्ट uh, चेंजा इसको समझा के जा रही हूं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स मैं कल ही समझाऊंगी मैं कल ही समझाऊंगी क्योंकि मैं घास नहीं काट सकती भाई मुझसे घास नहीं कटती है तो मैं इसे ये एक चेंजा है इसे मैं कल समझा के और इसके साथ ही नया जो है वो टॉपिक पढ़ाऊंगी बस आज के लिए इतना ही अब खाना वाना खा लें रोटी वोटी खा लें आप भी खा लो हम भी खा लें ठीक है ओके okay जी बाय बाय गुड नाइट एंड एंजॉय बाय आप तो कम रहे